हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 12 एक्सरसाइज 4.1 के। क्वेश्चन में कहा है कि बाय पीएमआई शो कीजिए कि ये टर्म इसके बराबर है। अब तक तो 10 क्वेश्चन हम देख चुके हैं ऑलरेडी, तो काफ़ी आसान लगेगा आपसे आपको। तो इस पूरी स्टेटमेंट को हमने कहा कि ये पीएन के इक्वल है। पीएन यानी स्टेटमेंट फॉर एन नेचुरल नंबर्स, राइट। तो स्टेप वन क्या होता है पीएमआई का, आपको एन की जगह वन पुट करना है। तो जब आप n की जगह 1 पुट करेंगे तो इसका मतलब है LHS की आपको पहली टर्म उठानी है, लिख दी, और RHS में जहाँ जहाँ n है उस सब जगह पर आपको 1 पुट करना है। तो यानी कि 1 इंटू 1 प्लस 3 अपॉन 4, 1 प्लस 1 और 1 प्लस 2। ये अब ये दोनों इक्वल आने चाहिए, LHS बराबर RHS आना चाहिए इनका। तो नीचे बना बेटा 6 और ऊपर बना 4 अपॉन 4 इंटू 2 इंटू 3, और 4 से 4 कट जाएगा बेटा और आ जाएगा 1 अपॉन 6। तो दोनों इक्वल हो गए तो P1 ट्रू हो गया। अब बात करते हैं K की। तो K क्या होता है, K होता है कोई नेचुरल नंबर 1 या N से छोटा, 1 और N के बीच में। तो जो पूरा PN है वो पूरा PN आपको लिख देना है, पर N की जगह K। कारण आप जानते ही हैं क्यों है। अगर आपको यहाँ पर 10 टर्म्स का सम निकालना है तो आप N की जगह 10 लिखेंगे, और यहाँ पर भी आपको 10 लिखना पड़ेगा, और 20 का निकालना है तो यहाँ 20 लिखना पड़ेगा, के का निकालना है तो के लिखना पड़ेगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, LHS में भी RHS में। तो आप एन की जगह के लिख देंगे LHS में भी RHS में भी। इन शॉर्ट का आ जाए तो आपको क्वेश्चन ही लिख देना है पूरा बस एन की जगह के लिखते हुए। और अज्यूम किया जाता है कि पी के तो ट्रू है, ठीक है। इंट्रो में भी देखा है ना, पी के ट्रू है। फिर पी के प्लस वन के लिए आपको चेक करना होता है, पी के प्लस वन के लिए। तो पी के तो ट्रू मान लिया। स्टेप थ्री में जाते हैं, नाउ वी विश टू प्रूव पी के प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू। तो करना क्या है आपको, के प्लस वन टर्म्स का सम लेना है और फिर शो करना है कि वो बराबर होगा के प्लस वन, यहाँ के की जगह के प्लस वन आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा के प्लस वन प्लस थ्री यानी कि के प्लस फोर, ठीक है ना। और नीचे भी आएगा के प्लस वन प्लस वन के प्लस टू, और यहाँ पर के प्लस वन प्लस टू यानी के प्लस थ्री। तो हर जगह के प्लस वन आ जाना चाहिए। तो टेक्निक आप जानते ही हैं, वही सेम टेक्निक हम रिपीट कर रहे हैं। स्टेप टू का LHS उठाया, कॉपी किया और स्टेप थ्री में पेस्ट कर दिया, ठीक है बेटा, सेम टू सेम। तो ये तो के टर्म्स का सम हो गया, पर हमें चाहिए के प्लस वन टर्म यानी एक टर्म एक्स्ट्रा चाहिए। और वो एक टर्म एक्स्ट्रा कैसे आती है, जो ये लास्ट वाली टर्म होती है सेकेंड स्टेप की, उसमें जहां पर के है उसकी जगह लिखिए के प्लस वन, ठीक है कि नहीं। जहां पर के है उसकी जगह के प्लस वन, फिर यहाँ के की जगह के प्लस वन लिखोगे तो के प्लस वन कितना हो जाएगा, के प्लस टू हो जाएगा। और यहाँ पर भी के की जगह के प्लस वन लिखोगे तो के प्लस वन प्लस टू कितना हो जाएगा, के प्लस थ्री हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये के की जगह के प्लस वन, फिर यहाँ के प्लस वन प्लस वन के प्लस टू, और के प्लस वन प्लस टू के प्लस थ्री लिखकर वो जो के प्लस वन टर्म है एक्स्ट्रा टर्म वो मिल जाएगी, ठीक है बेटे। तो हम जानते हैं कि के तक का सम तो स्टेप टू में दिया हुआ है। स्टेप टू में ये के तक का सम, ये पूरा के टर्म तक का सम दिया हुआ है, के प्लस थ्री फोर, के प्लस वन के प्लस टू। तो इसकी वैल्यू तो स्टेप टू से लिख दी जाती है सेम टू सेम, और ये यहाँ पर सेम टू सेम स्टेप में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना। तो बेटा डेनोमिनेटर में देखो के प्लस वन के प्लस टू दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन लेके बाहर लिख दिया, और यहाँ बचा के इंटू के प्लस थ्री अपॉन फोर, यहाँ पर बचा वन अपॉन के प्लस थ्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो k इंटू के हो गया के स्क्वायर, के इंटू थ्री हो गया थ्री के अपॉन फोर, और वन अपॉन के प्लस थ्री। अब एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम यानी ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, और नीचे दोनों आपस में। तो के स्क्वायर को k से किया तो के क्यूब आया, के स्क्वायर को थ्री से किया तो थ्री के स्क्वायर आया, थ्री के को k से किया तो थ्री के स्क्वायर आया, थ्री के को थ्री से किया तो नाइन के आया, और फोर वन जा फोर, सिंपल। नीचे फोर इंटू के प्लस थ्री, तो ऊपर फिर से क्यूबिक बन गए बेटे, ठीक है, याद है ना क्वेश्चन नंबर 7, 7 में किया था। थ्री के स्क्वायर प्लस थ्री के स्क्वायर तो सिक्स के स्क्वायर हो गया, और नाइन के एज इट इज, फोर एज इट इज, सब कुछ बाकी सेम टू सेम। तो वही क्वेश्चन की टेक्निक हम यहाँ पर रिपीट करेंगे। मुझे पता है न्यूमरेटर में एक के प्लस वन आना ही है, तो फैक्टर कैसे बनेंगे। तो हमने इस सिक्स के स्क्वायर को स्प्लिट किया दो टर्म्स में, पहली टर्म के स्क्वायर। के स्क्वायर क्यों बेटे, क्योंकि शुरू में के क्यूब है, तो इसकी एक टर्म ले लेंगे के स्क्वायर, और फिर के स्क्वायर में क्या ऐड किया जाए कि सिक्स के स्क्वायर बन जाए, फाइव के स्क्वायर। तो के स्क्वायर प्लस फाइव के स्क्वायर सिक्स के स्क्वायर,
जिसने क्वेश्चन सेवन नहीं देखा उसको थोड़ा दिक्कत हो रही होगी, तो मैं एक बार बता देता हूँ। सपोज कीजिए यहाँ पर होता 2k³, सपोज कीजिए कि यहाँ पर होता 2k³, तो इस 6k² को आप इस तरीके से तोड़ते, 2k² प्लस 4k². अगर यहाँ 3k³ होता तो लिखते 3k² प्लस 3k², तो इस पहले टर्म के हिसाब से 6k² को ब्रेक करेंगे, स्प्लिट करेंगे, तो ठीक है ना, 6k² को k² प्लस 5k². अब बारी आती है इस 9k की, 9k को भी स्प्लिट किया 5k प्लस 4k, और पहली टर्म 5k ही क्यों ली, पहली टर्म 5k इसलिए ली क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट टर्म थी वो 5k² थी। बेसिकली आइडिया ये है कि इन दो टर्म्स में k कॉमन लिया जाएगा, k² और इन दो टर्म्स में 5 कॉमन लिया जाएगा, ये आइडिया होता है। तो 9k को लिखा 5k प्लस 4k, इसको देखते हुए कि अब इनमें 5k कॉमन लेंगे, और फिर यहाँ पे 4k और ये 4 है, तो इन दोनों में आप आसानी से बाद में 4 कॉमन ले सकते हो। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमने डिटेल में देखा था। अब k³ प्लस k² को साथ में लिखा, 5k² प्लस 5k को साथ में लिखा, और 4k प्लस 4 को साथ में लिखा। आगे बढ़ते हैं, इनमें k² कॉमन, तो k² कॉमन लोगे तो k प्लस 1 बचेगा, इनमें 5k कॉमन तो k प्लस 1 बचेगा, और इसमें 4 कॉमन तो k प्लस 1 बचेगा, ठीक है, और डिनोमिनेटर एज इट इज। अब ऊपर देखो सबके पास k प्लस 1 आ गया, सबके पास k प्लस 1 आ गया, तो k प्लस 1 हमने कॉमन ले लिया न्यूमरेटर से, और अंदर बचा k² प्लस 5k प्लस 4। अब जो न्यूमरेटर में k प्लस 1 कॉमन लिया था वो k प्लस 1 से कट गया, और जो 5k² सॉरी k² प्लस 5k प्लस 4 है ऊपर, अब उसको मिडल टर्म से स्प्लिट करना है, तो मिडल टर्म स्प्लिट मैंने यहाँ प्रोसेस तो कर रखा है आपके लिए, पर आपको आना चाहिए, है कि नहीं, 11th क्लास के बच्चों को आता है क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना, तो मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। डिनोमिनेटर देख लीजिए 4k प्लस 2k प्लस 3 है, राइट, और न्यूमरेटर में जब आप मिडल टर्म स्प्लिट करोगे तो k प्लस 1 k प्लस 4 आ जाएगा, और ये हमारा फाइनल आंसर है। कोई कहता है कि वेरीफाई करें सर, तो यहाँ एन की जगह के प्लस वन आना चाहिए, चेक करते हैं, एन की जगह के प्लस वन आ रहा है। सेकंड, यहाँ पर एन प्लस थ्री है तो के प्लस वन प्लस थ्री आना चाहिए, के प्लस वन प्लस थ्री यानी के प्लस फोर आ रहा है, और डिनोमिनेटर में यहाँ के प्लस वन यानी के प्लस टू आना चाहिए, और यहाँ के प्लस थ्री आना चाहिए और फोर आना चाहिए, तो फोर भी आ रहा है, के प्लस टू भी आ रहा है, के प्लस थ्री भी आ रहा है, तो स्टेटमेंट आएगी देयरफॉर पी के प्लस वन इज ट्रू एंड हेंस पी एन इज ट्रू फॉर बाय पी एम आई, यानी पी एन ट्रू है पी एम आई के द्वारा फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। अच्छा हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 अपने आप में एक फार्मूला है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, जिसको आप चैप्टर नंबर 9 में भी देखेंगे, और अभी फिलहाल हम क्वेश्चन मैथमेटिकल इंडक्शन से चेक करेंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। तो यहाँ पे कहा है ए प्लस ए इंटू आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ऑन सो ऑन ए आर एन माइनस वन बराबर है इसके, शो करके दिखाइए पीएमआई की मदद से। तो हर बार की तरह हम कहेंगे कि ये एक स्टेटमेंट है एन नेचुरल नंबर्स के लिए, तो अगर आपको स्टेप वन करना है तो एन की वैल्यू वन कर लिखते हैं, तो यहाँ पर ले लेते हैं पहली टर्म, और यहाँ पर एन की जगह सॉरी यहाँ पर एन की जगह वन, तो आर की पावर वन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, तो ये तो कट जाएगा, तो एल एच एस में भी आया आपका ए और आर एच एस में भी आया आपका ए, दोनों इक्वल हो गए, तो पी वन तो हो गया ट्रू। ठीक है, अब स्टेप टू पर जाते हैं। स्टेप टू का मतलब एन की जगह के पुट करना है पूरी इक्वेशन में और अज्यूम करना है कि वो ट्रू होगा, तो ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे, एक ही बात रिपीट कर करके क्वेश्चन लिख दिया एज इट इज, अज्यूम दैट पी के इज ट्रू, स्टेप टू। ठीक है बेटे, समझ आ गया यहाँ तक, और अब स्टेप थ्री, नाउ वी विश टू प्रूव पी के प्लस वन इज ट्रू, तो पी के ट्रू आने के बाद पी के प्लस वन को ट्रू ला के दिखाना है, चेक करना है ट्रू है कि नहीं, होता ही है वो अमूमन, तो यहाँ पर आपने पहले पूरी के टर्म्स एज इट इज लिख देनी है, पूरी की पूरी के टर्म्स आपने एज इट इज लिख दी, फिर आपको चाहिए एक एक्स्ट्रा टर्म, एक एक्स्ट्रा टर्म, क्योंकि आप के प्लस वन टर्म्स का सम निकाल रहे हैं, यहाँ तक तो के टर्म्स का सम हो गया और एक एक्स्ट्रा टर्म आपको चाहिए, तो एक एक्स्ट्रा टर्म निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप ऊपर से जो लास्ट टर्म है उसमें k की जगह k प्लस वन पुट कर देंगे, राइट, तो यहाँ k की जगह k प्लस वन, फिर माइनस वन है तो माइनस वन, और हमेशा की तरह इसकी वैल्यू तो आपको स्टेप टू से मिली जानी है, तो वो यहाँ पे पुट कर दी, और यहाँ वन से वन कटा, ए आर के एज इट इज। ठीक है जी, एलसीएम लेते हैं,
तो ये r माइनस वन इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और दोनों का ये मैंने बाहर कॉमन ले लिया है, तो अंदर आर के माइनस वन बचा और ये आर के इंटू आर माइनस वन। आर के इंटू आर हो जाएगा आर के प्लस वन, आर के इंटू वन आर के, और ये सब कुछ ऐसे का ऐसे, इस पर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। डिनोमिनेटर भी ऐसे का ऐसा, जस्ट इस स्टेप में ये इससे इंटू हुआ है। आगे बढ़ते हैं, आर के से आर के कैंसिल, और बचा आर के प्लस वन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, बाहर ए है ही। क्या हमारा जो स्टेटमेंट है वो प्रूव हुआ? जी हाँ, यहाँ एन की जगह आर प्लस वन आ गया, तो फिर परफेक्टली ये प्रूव हो चुका है। आर एन की जगह के प्लस वन आ गया, ठीक है, एन की जगह के प्लस वन आ गया, तो ये प्रूव हो चुका है। और पी के प्लस वन यानी कि ट्रू है, हेंस बाय पी एम आई पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन नेचुरल नंबर्स। तो थोड़ा पहले बेसिक सीख लिया, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करा दिया क्वेश्चन, ठीक है। समझना है तो एक बार फिर से देखिए, और स्पीड अगर तेज़ लगे तो मुझे बता दीजिए मैसेज कमेंट करके, ठीक है। तो फिर अगली बार से थोड़ा धीरे रखेंगे, पर कुछ बच्चों को धीरे पढ़ाने में समस्या होती है, सर आप बहुत धीरे धीरे बताते हैं। ठीक है बेटा, ओके।